मेस मिठा चारा फिर मन सिखा पदिंग समाधियामी कामेश मिठा चारा फिर मन सिखा पदिंग। बुद्ध की झूठी मिथ्या फर्जी फॉल्स कथाएं। दरअसल बुद्धा इज राइजिंग अगेन, यानी कि भारत के अंदर जो बुद्ध है उसका दोबारा से उदय हो रहा है। सबको पता है कि बुद्ध आ रहे हैं, बहुत तेजी से आ रहे हैं। हर एक व्यक्ति में जिज्ञासा है बुद्ध के बारे में जानने के लिए, और बुद्ध के साथ साथ अशोक भी आ रहे हैं, सम्राट अशोक, और अशोक के बाद जिन्होंने धम्म पे काम किया वो राजा भी पीछे पीछे आ रहे हैं। इतिहास दोबारा से निकल रहा है। YouTube के अंदर या Facebook के अंदर कोई भी चीज डालने के लिए कोई मना ही नहीं है। मैं जो ये वीडियो डाल रहा हूं इसके लिए कोई मना ही नहीं है। आपका विचार है, आप अपने विचार को रिकॉर्ड करें, Facebook पे, Twitter पे, Tumblr पे या Viber कहीं भी डाल सकते हैं। आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, सोशल प्लेटफॉर्म है, आपकी बात पहुंच जाएगी, जिसको देखनी है देखें। क्योंकि मैं बुद्ध का साहित्य पढ़ता हूं और बुद्ध की जो फिलॉसफी है उसको देखता हूं, चिंतन भी करता हूं, मनन भी करता हूं, सोचता भी हूं, तो मैं अक्सर जो बुद्ध से संबंधित जितनी पोस्ट ही आती हैं या बातें आती हैं उनको देखता रहता हूं। मुझे बड़े अफसोस और बड़े दुख के साथ ये बात आपको बतानी पड़ रही है कि बहुत सारे लोगों को जिनको बुद्ध के बारे में, बुद्ध की फिलॉसफी के बारे में या क्या उन्होंने किया क्या नहीं किया उसके अलावा, वो बुद्ध के नाम से अपनी मनगढ़ंत कथाएं, कहानी और चीजें कहीं और की हैं, बुद्ध के नाम से जोड़ते हैं। अब बुद्ध ने तो मना किया नहीं, और जो धम्मिक लोग हैं वो शांत होते हैं, वो कभी इसको अपोज करते नहीं। वो जानते हैं कि बुद्ध इतने पावरफुल हैं कि ये सब चीजें छट जाएंगी, मगर फिर भी जो नया बच्चा है, जो नया जानकार है, जो नई चीजें सीखना चाहता है, उसको जब ये मिथ्या झूठी और फॉल्स बातें मिलती हैं तो वो परेशान हो जाता है। इसको कहते हैं साहित्य को खराब करना, बुद्ध के विचार को खराब करना, बुद्ध के विचार को तोड़ना और बुद्ध के विचार को खत्म करना। यानी किसी का विचार अगर खत्म करना हो तो आप उसके नाम से झूठी बेकार मनगढ़ंत बातें, अफगा बातें, जो चमत्कारी बातें वो डालते रहिए। लोगों के दिमाग में आएगा कि ये भी ऐसा ही है जैसा और लोग होते हैं, वो उसको ऐसे ही करके ले लेंगे, फिर वो इमेज बन जाएगी और वो बुद्ध के विचार तक पहुंच नहीं पाएगा, जान नहीं पाएगा। क्योंकि बुद्ध का विचार और बुद्ध की फिलॉसफी पूरी पूरी प्राकृतिक, नेचुरल है, नैसर्गिक है, वो कुदरती है, और वो भगवान बुद्ध ने पैदा नहीं किया है, वो दरअसल नेचर के अंदर पहले से थी, भगवान बुद्ध ने डिस्कवर किया, रीडिस्कवर किया, और भी लोगों ने पहले किया, भगवान बुद्ध ने किया, और आगे आने वाले लोग भी वही डिस्कवर करेंगे जो नेचर के अंदर है। मगर जो ऐसी बातें हैं जो नेचर के अगेंस्ट हैं, प्रकृति के अगेंस्ट हैं, कुदरत के अगेंस्ट हैं और बिल्कुल विरुद्ध हैं, लोग उसमें वो बातें मिक्स कर करके मिला मिला के उसको करप्ट करके, उसको भ्रष्ट करके, उसको खत्म करके वोट डाल रहे हैं। एक साधारण व्यक्ति, एक साधारण बच्चा या एक साधारण स्कॉलर जो बुद्ध की बातें अभी सिर्फ सीख रहा है, वो फिल्टर नहीं कर सकता, वो सेपरेट नहीं कर सकता, वो अलग नहीं कर सकता, वो छांट नहीं सकता कि ये बुद्ध की बात ठीक है या नहीं है। तो बुद्ध ने इसके लिए एक फार्मूला दिया है, उस फार्मूले को हमेशा याद रखें, क्योंकि बुद्ध जैसा व्यक्ति जानता था कि पहले भी लोगों ने मिक्स किया है बातों को, सही बातों को, बाद में भी करेंगे। इसलिए बुद्ध ने कहा है कि जो मैंने कहा है उसको नहीं मानना, जो मेरे नाम से परोसा जाए, जो मेरे नाम से वीडियो बनाया जाए, जो मेरे नाम से चीजें छापी जाएं, जो मेरे नाम से लिखा जाए, उसको नहीं मानना। कोई बहुत ज्ञानी व्यक्ति मेरे नाम से कहे कि ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, कोई भिक्खू, कोई मंक भी कहे, तो उसको नहीं मानना आंख बंद करके। कहीं किताब में लिखी हो तो उसको नहीं मानना, क्योंकि किताब मनुष्य लिखता है और मनुष्य किताब में अपने हिसाब से चीजें डाल सकता है। तो फिर करें क्या? तो उन्होंने कहा कि जो बात मैं बता रहा हूं अगर वो बात आप तक पहुंचती है तो उसके तीन पैमाने हैं कि ये बात क्या मेरे लिए बिल्कुल ठीक है, मेरे लिए लाभकारी है, मेरे लिए बिल्कुल सही है। फिर आप ये देखिए कि ये बात मेरे परिवार और मेरे आसपास मोहल्ले पड़ोस वाले के लिए क्या बिल्कुल सही है, और फिर आप देखिए कि ये बात क्या पूरी दुनिया के मनुष्यों के लिए, जीवों के लिए कल्याणकारी है, अच्छी है। तीन स्केल पर जब आप अपने लिए, अपने परिवार, पड़ोस, मोहल्ले और देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए जब आप सोचेंगे और वो बात आपको बिल्कुल सही लगेगी कि ये सबके लिए कल्याणकारी है, तो वो बात ठीक है, वो बात दुख नहीं। इसको यूनिवर्सल बोलते हैं, यूनिवर्सल बेनिफिशियरी, यानी कि पूरी दुनिया के लिए लाभदायक, कल्याणकारी। ऐसी बात खराब नहीं हो सकती, बदल भी सकती है तो भी सही रहेगी। ये
ये बात, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर बात बताता है या किताब में लिखी है या कुछ कहानी सुनाता है तो वो उसके स्वार्थ के लिए है, उसके समुदाय के लिए स्वार्थ के लिए, उसके संप्रदाय के लिए हो सकती है, उसके परिवार के लिए हो सकती है, उसके जिले और गांव के लिए हो सकती है, उसके स्टेट के लिए हो सकती है, उसके कंट्री के लिए हो सकती है, मगर अगर पूरी दुनिया के लिए है फिर तो वो बात सबके लिए ठीक होगी, उसमें कोई डाउट नहीं है, कोई क्लियर नहीं है। एक छोटा सा स्केल है, एक छोटी सी बात है। दूसरा क्या है कि क्या कोई बात आपको डरा रही है? बुद्ध की कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको डराए और आपको घबराए, और बुद्ध का कोई ऐसा फिलॉसफी नहीं है जिसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो आप थोड़ा डीप में जाएंगे तो सोचना शुरू कीजिए, जो बात मैं बुद्ध के नाम से पढ़ रहा हूं क्या वो बात बिल्कुल सच है या नहीं है। नेट पर सर्च कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, लोग जो जानकार लोग हैं उनसे पूछिए, पूछते रहिए, उसको बंद मत कीजिए, उसको रुकिए मत। इसको बोलते हैं तर्क पे कसना, कसना कसौटी पे कसना, चेक करना। भगवान बुद्ध ने कहा है कि अपनी बुद्धि, अपने ध्यान, अपनी जो अनुभव है उसके तर्क पे उसको अनुभव करो और देखो कि ये बात सही है या नहीं सही है। वैसे जैसे अगर किसी ने झूठ बोला तो आपके शरीर के अंदर कुछ संवेदनाएं आती हैं, कुछ वाइब्रेशंस आती हैं जो कहती हैं कि लगता है ये झूठ सा बोल रहा है, यानी लगता है का मतलब है आपको पता चल गया कि ये बंदा कुछ कुछ गड़बड़ है, तो पता चलता है। बहुत सारे लोग जान के उससे हट जाते हैं, बहुत सारे लोग उसका आनंद लेते हैं कि चलो देखें कितना झूठ बोलता है। तो आपका अनुभव आपको बता देता है, कई बार नहीं बताता है तो अनुभव से अनुभव आता है। ये चीजें आपको लगातार लगातार करनी पड़ेंगी और इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, आपको विजिलेंट रहना पड़ेगा। भगवान बुद्ध ने कहा है हमेशा जगते हुए रहना है, जागृत रहना है, मन से और मस्तिष्क से पूरी तरह से आपको चेतना में रहना है। अगर आप चैत्य रहेंगे, चेतना में रहेंगे, माइंडफुलनेस रहेगी आपके अंदर, जागृत रहेंगे, तो संभवतः आपका कोई नुकसान नहीं कर पाएगा, और करेगा तो थोड़ा बहुत करेगा, फिर आप समझ जाएंगे। इसलिए भगवान बुद्ध की इस बात को, क्योंकि फर्जी कथाओं की बहुत ज्यादा बाढ़ आ रही है, भगवान बुद्ध के साहित्य, भगवान बुद्ध की बातों को रोकने के लिए। और कमाल यह है कि आपको भगवान बुद्ध के साहित्य में से निकाल के वो बातें देंगे जो पहले से मिक्स हैं, जो पहले से भ्रष्ट हैं, जो पहले से खत्म किए हैं। क्योंकि भगवान बुद्ध का जो ओरिजिनल साहित्य है वो बहुत थोड़ा सा है, बाद में बहुत सारे लोगों ने साहित्य लिखा है, अपने अपने हिसाब से लिखा है। तो आपको ऐसी गारंटी देंगे कि इस साहित्य में ये लिखा है, उसमें ये लिखा है, किसी साहित्य पे यकीन नहीं करना है। भगवान बुद्ध की फिलॉसफी साफ है, सभी के लिए कल्याणकारी होना चाहिए। धन्यवाद। टीम 22 पर सभी वीडियो बुक कॉपीराइट फ्री है। आप अपने पोर्टल पर, अपने यूट्यूब पर, अपने फेसबुक पर या किसी भी जो भी ऐप है उस पर आप यहां से डाउनलोड कर टीम 22 से या फेसबुक से या मेरे पेज से कहीं से भी कोई भी वीडियो ले सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें अपने नाम का कुछ भी ऐड कर सकते हैं या अपनी कमेंट्री कर सकते हैं, उस वीडियो का कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं, उसका प्रिंट मटेरियल भी बना सकते हैं, उसको किसी भी भाषा में आप बदल सकते हैं, उसका ऑडियो चेंज कर सकते हैं, उसका वीडियो ले सकते हैं। आप जैसे भी चाहें टीम 22 की किसी भी वीडियो का या सारी वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमेशा कॉपीराइट फ्री थी और हमेशा कॉपीराइट फ्री रहेंगी। हमारा सिर्फ इतना काम होता है कि महापुरुषों की जो बातें हैं उन बातों को हम सरल भाषा में, आम भाषा में आप तक पहुंचा देते हैं। अब आगे आपका काम है कि आप अपनी भाषा में बदल के या ऐसा का ऐसा शेयर करके या इसको आगे भेजकर या इसका लिंक भेजकर या इसमें से कोई भाषा बदलकर या इसको प्रिंट कर या इसको लोड कर या डाउनलोड कर या इसको टीवी में बच्चों को दिखाकर या किसी को गिफ्ट कर जैसे भी चाहे वैसे इसको आगे पहुंचाएं। धम्म की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि धम्म दान, धम्म को देना, सभी देने में यानी जितना भी हम किसी को देते हैं, दान देते हैं, उनमें सबसे बड़ा माना जाता है। अगर आपको लगता है किसी वीडियो में कोई परेशानी है तो आप हमें लिख के भेज दीजिए, हम दूसरा वीडियो बनाकर आपको भेज देंगे। आप धम्म की सेवा में सहायक बने, धम्म आपको खूब लाभ देगा, धम्म आपको लाभ देगा, आप धम्म को लाभ देंगे, ये दोनों इंटरचेंज है, यही धम्म की प्राकृतिक नियम है। धन्यवाद। Thank you.
Dhammam Sarnam Gacchami.